अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। बाल्टी भरी जा रही है पानी के साथ, तो कबूतरों को नहलाई करवाने वाले हैं। ये जी बादल तो आए हुए हैं, लेकिन अब पता नहीं ये बारिश बरसती है या नहीं, क्या सिस्टम बनता है। और कबूतर पूरे खुश हो रहे हैं, उनको पता चल गया है कि पानी जोन से वो लाया जा रहा है हमें नहलाने के लिए। जी दोस्तों, ये पानी डाला जा रहा है और अभी कबूतर जो से हैं वो मज़े लेंगे नहा के। ये कबूतर हैं जी कुछ जो बाहर आए हुए हैं अभी, क्योंकि मैं जाल के अंदर हूँ तो उस वजह से थोड़ा सा घबराए हुए हैं। ये चेक करें जी वेदर की कंडीशन, बादल तो आए हुए हैं लेकिन पता नहीं अब रात को ये बरसते हैं या नहीं। बादल बन के आ रहे हैं, तो ये जनाब हमारा ब्रीडिंग सेटअप का जाल है। इस कमरे के अंदर कबूतर हैं, तो अब कबूतर आ रहे हैं, नहाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं जी। चेक करें जी, सबसे पहले ये आ रहा है जी स्लेटा, और ये उस्ताद मौसम साहब वाले जोन से हैं बिच्छू ब्रीड वो कबूतर, और अंदर ये टेडी मादी, कोशिश जारी है। पहले पानी पी के चेक किया है कबूतर ने, ये देखें जी तीन कबूतर आ गए, इनमें से एक भी जब अंदर चला गया पानी के अंदर, बाकी भी दौड़ते हुए आ जाएंगे। वीडियो थोड़ा दूर से बना रहा हूँ ताकि ये डरे ना कबूतर, बिल्कुल नेचुरल माहौल पे बगैर किसी डर खौफ के नहा लें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल नहीं हमारा सब्सक्राइब किया तो बराए मेहरबानी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आपकी यही हमें सपोर्ट चाहिए। अब हिम्मत इनमें से कोई नहीं कर रहा अंदर जाने की देख ले मरासियों वाला हिसाब है, नहाने से डर रहे हैं, हालांकि इनको गर्मी भी लगी हुई है। एक ने हिम्मत करनी है तो बाकियों ने भी जनाब पानी के अंदर जाना है। आहा, कोई तो खाली चोंच गिली करके बाहर आ रहे हैं, बड़े जनाब हमने नहा ली है। ये जनाब पहले कबूतर गया अंदर, अब आ जाए ये मादी है जो अंदर गई है जी, पिपलों वाली मादी है। बटेरा नर भी चला गया अंदर, अब तो लड़ाई शुरू हुआ इनकी। अब थोड़ा मैं करीब जाके वीडियो बना के देखता हूँ। ये चेक करें जी, अपने अपने गोताखोर आए हुए हैं, और ओहो 35 वाला तो ज़्यादा ही मज़े ले रहा है, पता नहीं उसे अब निकला नहीं जा रहा या निकलने दे नहीं रहे इसको, और वो मजबूरी के तहत अंदर बैठ गया हुआ है। पिपलों वाला पट्ठा भी अंदर बैठा हुआ है उसके साथ, और 35 वाला जोन से वो अंदर तैर भी रहा है। चेक करें जी माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर दिए हुए अल्लाह ने तोड़ के आओ ना। ले जी 35 वाला लगता है गीला हो गया ज़्यादा, सॉरी बटेरा, ये वैसे भी एजड है कबूतर, इससे निकला नहीं जाएगा, मैं इसे निकाल लूँ पहले। ये जनाब बटेरा कबूतर फंस चुका है अंदर, ठीक है, और इसकी बस हो गई है, अब इसको निकालते हैं जी। ये ले जी, ये इन भाई साहब ने गुसल कर लिया। ये मेरे लाफ्ट का सबसे बड़ा कबूतर है, ब्रीड तो नहीं है इसकी, ब्रीड वगैरह नहीं करता, लेकिन जहरी बात है परिंदा है, जान है इसके अंदर हमने रखा हुआ। ये जी मज़े ले रहे हैं कबूतर, और मुझे देख के डर जाते हैं असल में, वरना क्लोज का आपको व्यू दिखाएं। पानी देखें किस तरह गंदा हो गया,